नमस्ते, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे हैं। आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। और अभी शाम का टाइम है और मैं जा रही हूँ किचन में बनाने के लिए समोसा, क्योंकि 3 दिन से परेशान करके रखा है मेरा छोटा वाला बेटा। वो रोज बोल रहा है मम्मी समोसा बनाओ, तो चलते हैं समोसा बनाने के लिए। तो चलिए किचन में बनाते हैं समोसा। और ठंड ना बहुत तेज है यहाँ पे, धूप तो था लेकिन बहुत कम था, धूप बहुत कम, ठंडा ज़्यादा ही है। हाँ हो जाइए, एक्सरसाइज बाद में कीजिएगा, ठीक ना। तो यहाँ देखिए आलू ने हम उबाल लिए, आलू उबाल के रखे थे और अभी जो इसमें हम फ्राई करेंगे आलू को, बनाएंगे समोसा में जो हम भरेंगे। तो चलिए आलू को ना पहले भून लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। यहाँ थे अंकुश के पापा, तो ऐसी हम लोगों में बात हो रही थी, लेकिन अभी जो है कि आज अंकुश क्या कर रहा है। तो अंकुश घर में है, अंश और लक्ष्मी जो है बाहर खेल रहे हैं। तो चलिए, ठंड ना बहुत ज़्यादा है, एकदम बहुत ज़्यादा ठंड है, लेकिन आप लोग की तरफ ठंड कैसी है आप लोग जरूर। दोस्तों ये वीडियो है शनिवार की और ये वीडियो जा रही है आप सभी को आज, यानी कि 22 तारीख को। आज है राम भगवान का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है, यानी कि हो गया है। तो ये वीडियो जो है कि आप सभी को शाम को मिलेगी, क्योंकि आज जो है दिन में हम लोग पूजा पाठ में बिजी थे, इस वजह से वीडियो अपलोड करने में थोड़ी लेट हो गई। और शाम को भी हम लोग बिजी ही रहेंगे, जैसे शाम को दीपावली मनाना है तो सब लोग मना रहे हैं। आप लोग कैसे कैसे कर रहे हैं ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और मैं यहाँ पे बना रही हूँ समोसा, अंश का फरमाइश था समोसा बनाने का। तो ये वीडियो जो है मेरी शनिवार का ही है, तो मैं सोची यही वीडियो आप सभी के साथ जो है कि शेयर करूँ। तो बच्चे अगर हमें बोल देते हैं ना एक बार बनाने के लिए कि समोसा बना दो, आलू का पराठा बना दो, या कुछ भी खाने का मन हो, तो मैं कोशिश करती हूँ कि बना के जल्दी से मैं बच्चों को खिलाऊं, ताकि बच्चे और हस्बैंड जो है खुश रहे, हमेशा इन लोगों की खुशी में लगी रहती हूँ। अगर बनाने के बाद अगर नहीं खाते हैं तो थोड़ा सा तकलीफ़ हो जाता है कि इतना मेहनत से हम बनाए और खाए नहीं। जैसे उस दिन हम बनाए थे लेकिन अंकुश और अंकुश के पापा खाए नहीं थे जल्दी जल्दी में। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, कुछ भी अगर हम बना रहे हैं तो उसको खा लेना चाहिए। तो आज हम बना रहे हैं समोसा, और ये फरमाइश जो कि मेरा छोटे वाला बेटा का है, उसको ना समोसा बहुत पसंद है। उसको क्या, सभी को पसंद है समोसा, किसको नहीं पसंद होगा। तो देखिए हम समोसा यहाँ पे बना रहे हैं, हमारी समोसा कैसी बन रही है आप लोग ज़रूर बताइएगा, और ढेर सारा प्यार दुलार सपोर्ट दीजिएगा इस वीडियो को दोस्तों, क्योंकि इतना मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं। और अगर आप लोग प्यार सपोर्ट नहीं करते हैं, हमारे व्यू नहीं आते हैं, वीडियो को आप सब फुल वॉच नहीं करते हैं, तो बहुत जो है कि दिक्कत होने लगती है। मन यहाँ बैठे हैं लेकिन हेल्प नहीं किए हैं आज समोसा बनाने में हमको, हम अकेले बना रहे हैं। तो देखिए, हाँ चटनी पीस दीजिए, ठीक चटनी पीसने में हेल्प कर। तो ये रहा मेरा समोसा, आटा जो है कि इतना जो बच गया, और ये जो आलू बनाए थे ये कम पड़िया। तो इधर जल्दी जल्दी समोसा तलते हैं। समोसा तल रहे हैं, और पता है अंश क्या बोल रहे हैं, एक पन्नी में और होगा, उतना से थोड़ी ना होगा, देना पतला करेंगे। हाँ पतला बनाइए, टमाटर भी देंगे ना, हो जाएगा। हाँ टमाटर नहीं और लीजिए ना, कम पड़ जाएगा। नहीं कम पड़ेगा। अंश इधर आ जाओ आप, देखिए आंश बोलेगा। अभी अभी क्या बोला था बेटा, इधर आ जा। आंश देखिए हमको क्या बोला था, क्या बोले थे आप बेटा हमको? कुछ नहीं। अभी नहीं बोल रहे थे आप हमको, क्या बोल रहे थे?
बोलिए ना क्या दिया तो खोल लेना ठेला। ये आपको बोल रहे हैं मम्मी समोसा इतना अच्छा बनाती है तो एक ठेला खोलो, दुकान बोल रहे ठेला निकालने के लिए ताकि अंश को ना रोज समोसा मिलेगा खाने के लिए। नहीं अंश रोज ही मिलेगा ना समोसा खाने के लिए अंश को, हाँ क्योंकि अंश को तो बहुत पसंद है समोसा। बड़ा वाला बनाना पड़ेगा ना अंश मात्र जो बड़ा वाला। देखिए अंश का समोसा है, रोल बनाया है अंश। हाँ। रोल बनाया हाँ। और इधर समोसा तैयार है। चलो समोसा बनाने लेना है, फरमाइश भी तो था मेरा अंश का, फरमाइश भी था कि समोसा एकदम खाना ही खाना है। कल ही हम आलू उबाल के रखे थे, आप लोग को बताए थे कि आलू जो है कि हम कुछ शाम को बनाएंगे, लेकिन हम नहीं बनाए थे तो आज जो है कि बना रहे। शुक्रवार को ही आलू उबाल थे, आज शनिवार है, आज जो है कि बना रहे। नहीं आज हाँ तो अब हो गया है, बस एक ही समोसा बचा है और ये दो टोटो बचा है तलने के लिए, उसके बाद खाएंगे। ये लास्ट बचा है दोस्तों, ये दो गो रोल जो कि अंश बनवाया है और ना देखिए बेसब्री से इंतजार हो रहा है यहाँ तो अंश का। आहा भूख लग गया है, भूख भी लग गया एकदम, लक्ष्मी भी आ गई है, सबको समोसा का बेसब्री से इंतजार है सब बच्चों को। आई चटनी लेकर के तैयार है खाने के लिए लक्ष्मी आ रही है अपना बैठने के लिए। जाओ यही चूल्हा के पास ही खाना है क्या आपको? क्या रोल खा लेना रोल सबका ध्यान खाइए और टेस्ट कीजिए समोसा चटनी के साथ में कि समोसा हमारी कैसी बनी है दोस्तों। देखिए मार्केट जैसी बनी है कि नहीं बनी है दोस्तों, आप सभी कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक ना, जो है कि आ गया समोसा खाने के लिए। आप सब टूट पड़ेगा समोसा के ऊपर। अरे हाँ बैठे तो देखिए नहीं, बस मैं बनाई और कितना जो कि किचन काउंटर देखिए पूरा वहां से लेके यहाँ तक जो कि भर गया है और नीचे भी गैस स्टोव नीचे है, नीचे भी कढ़ाई जिसमें आटा गूथे वो पूरा बर्तन। और देखिए अभी मेरा जो है कि दूध भी आया है, मेरा दूध लेकिन नाइट में ही आता है। और सभी लोग जो है कि खा लिए हैं और फिर चले गए फ्राई करने के लिए और यहाँ पे मैं कर रही हूँ किचन के लिए, बस समोसा ही बनाई हूँ। कितना सारा जो है कि किचन काउंटर भी गंदा हो गया और पूरा जो है कि सामान जो है कि मेरा फैल चुका है, तो खाना तो आज बनने वाला नहीं है शाम के टाइम, क्योंकि हम लोग जो है कि खाना खाने के टाइम में खाए हैं समोसा तो फिर जो है कि आज खाना बनने वाला नहीं है। बच्चे लोग तो मना ही कर दिए, बोले नहीं हम लोग तो नहीं खाएंगे। तो चलिए फटाफट जल्दी जल्दी काम को करते हैं और किचन काउंटर को क्लीन करते हैं। और आज की वीडियो हमारी कैसी लगी आप सभी को, आप सभी ज़रूर बताइएगा दोस्तों और फुल वॉच वीडियो को करिएगा। जो भी न्यू है हमारे चैनल पर तो प्लीज़ हमारे चैनल को कर लीजिएगा लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों अपने फ्रेंड और रिश्तेदारों में। चलिए यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो।